नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्यात्म इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का यदि दर्शन कर लेते हैं या हो जाता है भूल बस भी, तो हमें मिथ्या दोष से बचाव के लिए समयांतर मणि की पूरी कथा सुननी पड़ेगी, जो कथा हम आज आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर शरद कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसा कर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित 8 भार सोना देने वाली समयंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उसे मणि को तब श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया, वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। वृक्षों का राजा जमवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर समंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को वृक्ष द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। वृक्ष के पैरों की खोज करते करते वे जमवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा जमवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जमवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जमवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सद्धनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार सुनकर जब श्री कृष्ण को सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सद्धनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सद्धनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ, वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस कारण प्राप्त अपमान के सुख में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा चौथ के चंद्रमा को ऐसा
क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा, तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जय ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को साप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। साप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मान सरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों में बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि आप चंद्रमा साप से मुक्त हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उससे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिवत विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। जय श्री राम, जय सीताराम।